हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 11 का 11 कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। मतलब सबसे पहले हमने साइड 4, 5 और 6 सेंटीमीटर लेके एक ट्राइंगल बनानी है और उसके बाद उसी ट्राइंगल के मिलते जुलते एक और ट्राइंगल बनानी है जिसकी जो साइड्स है वो पहली वाली ट्राइंगल की साइड्स का कितना पार्ट हो, 2/3 पार्ट हो। ठीक है, तो चलो हम इसका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास डिमेंशन है 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पहले मैं लेती हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आगे बनाना है इसके ट्राइंगल। तो पहले सबसे आगे 4 सेंटीमीटर को यहां से कंपास ओपन करके यहाँ पे हम एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, फिर यहां से हम आगे 6 सेंटीमीटर की ओपन करके, कंपास को 6 सेंटीमीटर की ओपन करके तो हम यहाँ पे एक और आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हम यहां से एक ट्रायंगल बनाएंगे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सपोज हमने ये ट्रायंगल बना ली एबीसी, जिसकी ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये साइड क्या हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि आपकी जो भी ट्रायंगल है ना, यहाँ पे हमने नेक्स्ट नीचे 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी कंपास खोल के, इतनी सी कंपास खोल के यहाँ पे आपने क्या बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे। ठीक है, और हमें जो साइड की रेशो दी गई है वो दी है 2:3। तो यहां से मतलब हमने क्या लगाना है, 3 आर्क लगानी है, 3 आर्क ऑफ इक्वल लेंथ। यहां से हम लेंगे 1 आर्क, 2 आर्क और 3 आर्क। यहां से हम ऐसे 3 आर्क लगाएंगे। तो हमने आगे क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारी साइड है उसका 2/3। देखो निचली वाली हमारी साइड कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का 2/3 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10/3 मीन्स 3.3 कह भी सकते हो, 3.4 भी ले सकते हो। तो हमने आगे क्या लेना है, 3.4 हमारे कंपास खोल ली और हमने ये वाली जो साइड है इससे इसका 3/4 ऐसे ले लिया। ठीक है, उसी तरह हमने जो दूसरी साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर वाली, जो हमारी साइड 4 सेंटीमीटर वाली है उसका भी हमने क्या लेना है, 2/3। तो आंसर आ जाएगा 8/3, जिसे हम लिखेंगे 2.66 या 2.7। तो यहां पे हम आगे 2.7 लेंगे, तो यहां से 2.7 लेके हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बन गई है, अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल को, ये वाले पार्ट को इस ट्राइंगल से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और हमारा देखो हमारे बात बोलना है 2/3, आपका जो स्मॉल नंबर है उसको आपने छोटे ट्राइंगल के साथ ज्वाइन करना है, जो बिग नंबर है उसको बड़ी ट्राइंगल के साथ ज्वाइन करना है। तो यहां पर मेरी जो आर्क 2 है उसको मैं यहाँ 2 के साथ ज्वाइन कर रही हूँ और मेरी जो आर्क 3 है उसको मैं किसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ, 3 के साथ। इधर देखो यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ 3 के साथ। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास जो ट्राइंगल बन गई, यहाँ पे मेरी ट्राइंगल का नाम आ गया ए डैश और यहाँ पे मेरे पास आ गया बी डैश। तो मेरी ये जो ट्राइंगल बन गई ए डैश बी सी डैश, इट इज द 2/3 ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ओके,